अगर दो कदम चलूंगा तो इनामुर रहमान एक कदम मेरे साथ में चलेंगे, और वो बॉल मैं उनको देता था बिना देखे, और वो चले डॉस करते हुए, और जहां 25 के पास पहुंचे अपोनेंट के, उनका एक रिवर्स फ्लिक मेरे पास आता था, गोविंदा सेंट फॉर्ड हुआ करते थे जैसा मैं बता रहा हूं। तो वो केमिस्ट्री हमारी, क्योंकि इनामुर रहमान साहब को इंडिया इंडिया में मेरे साथ खेलने का मौका नहीं दिया गया। कुछ वजह हो सकती है, कुछ कारण हो सकते हैं जिनको कि क्या मैं ये तो वजह नहीं थी जो उनको लोग कहा करते थे, वो जवान के बहुत खड़े हैं। देखिए, जिसने जिसने जीतना है, जिसने अपनी जान देके भी जीतना है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसी तरह की बातें होंगी होंगी, लेकिन उनका असली जज्बा ये था कि मुझे किसी भी हालत में मैच जीतना है। अशोक भाई, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है एक, आपके जीतने पर, जी आपके ऊंचाइयां छूने पर कुछ उस्तादों के सम्मान हुए होंगे जिन्होंने कि आपको हॉकी खिलाई होगी। अभी पिछले दिनों आपके दो शिष्य कांस्य पदक जीतने वाली टीम के जी सदस्य थे जी जी ओलंपिक में, जी और उसके बाद जब वो भोपाल लौटे विवेक सागर, तो जिस मंच पर मुख्यमंत्री सहित समूची मध्य प्रदेश सरकार ने हाँ जी उनका सम्मान किया, उसी मंच पर आपका भी सम्मान हुआ जी, था। जी शिष्य के कारण मिले सम्मान को आप क्या मैं वाकई में अभिभूत था उस बात को लेके, सरकार की इस मंशा को जो उन्होंने पूरा किया, विवेक सागर और नीलाकांता के कोच को, जो जिसका नाम मुझे दिया गया कि हाँ भाई मैं कोच के रूप में उनके काम किया मैंने, तो उन्होंने मुझे बुलाकर वो जो सम्मान दिया है वो तो एक मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी ऊंचाइयां छूने वाली बात थी। एक इंसानियत की सरकार के द्वारा दी गई वो एक सम्मान जो मेरे लिए वो अमूल्य था, और ऐसी बातें अमूमन होती नहीं हैं, लेकिन सरकार मध्य प्रदेश सरकार ने, और खासतौर से क्योंकि शिवराज सिंह साहब बहुत दिल से जुड़े थे हमारे साथ में, और एक लाइन और कहूंगा, कभी भी उन्होंने मेरे को अशोक नहीं कह के बुलाया, अशोक भाई कह के बुलाया, तो एक बड़प्पन था उनके अंदर जिन्होंने, मैं आज तक इस बात के लिए कायल हूं इस बात का। अशोक भाई, ये मेडल का रंग कैसे बदलेगा, और इसको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता इस देश में कि इस मेडल का रंग कैसे बदलेगा। इसके लिए कुछ हमारे दर्शकों को और को बता। मैंने अभी कुछ देर पहले एक लाइन कही थी ना कि जब हम बाबूजी के सामने जाते थे तो मेडल लेकर नहीं जाते थे, और जज्बा ये था कि जब गोल्ड आएगा तब सामने खड़ा होऊंगा मैं, तो ये बच्चे कर सकते हैं इस बात को दिल में ठान लें कि हमको दूसरी चीजें नहीं करनी है, हमें करना क्या है देश की उस परंपरा को जो हॉकी हमारा सम्मान है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, दूसरे नेताओं ने, हर चाहे विरोधी दल के हो चाहे कहीं के हो, उन्होंने जब हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल के साथ देखा तो सारा देश आज फिर से हॉकी 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 के रूप में आ गया। प्रधानमंत्री जी का इंटरेक्शन खिलाड़ियों के साथ में एक ऐसा मैसेज दे गया, तो ये इंटरेक्शन करना एक प्रधानमंत्री के लिए छोटी सी बात है, लेकिन खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी बात है। जो खिलाड़ी खेल रहा होता है, मैं बताऊं कि 1967-68 में मैं बिजनौर में गया था खेलने के टूर्नामेंट, केडी सिंह बाबू साहब, जिनको कि मैं हॉकी का बहुत बड़ा उस्ताद मानता, हमारे कोच भी रहे वो, और वो चीफ गेस्ट बने देख रहे थे। मैं रेलवे इंस्टीट्यूट की टीम से एक छोटा प्लेयर था उस टाइम में, मैं खेल रहा था, उनको मेरा खेल बहुत पसंद आया। जब पसंद आया तो उन्होंने बुलाया, उनका रुआब तो अलग सा था तो उन्होंने बुलाया, ध्यानचंद के बेटे हो जी, अच्छा खेलते हो, और पीठ पर दो तीन थपकियां दे दी। तो अब आप ये चीज समझिए कि ध्यानचंद की वो थपकियां जो बाले तिवारी ने दी थी एक जमाने में, जब वो आर्मी टीम से खेल रहे थे रंग रूट के रूप में, और ड्रिबलिंग अच्छी करते थे ध्यान सिंह, तो उनके जो सूबेदार मेजर बाले तिवारी, उन्होंने ध्यान सिंह को बुलाते हैं और कहते हैं, ध्यान तुम बहुत अच्छा खेलते हो, और अगर इसको तुम टीम वर्क के रूप में खेलो, टीम के साथ मिलकर खेलो, तो तुम सारे दुनिया को जीत सकते हो। तो अब ये देखिए, वो थपकियां जो हैं, चाहे वो बाले तिवारी की हों या मेरी पीठ में बाबू साहब की हों, और मेरी थपकियां विवेक सागर को हो, तो भाई वो तो गोल्ड मेडल ही आएगा फिर तो। जिस वक्त विवेक सागर भोपाल पहुंचे अपना मेडल लेकर, वहां प्रदेश की खेल मंत्री मौजूद थी जिनको विवेक ने अपना मेडल दिया, और उन्होंने उसको चूम कर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू किसी मंत्री के आपको लगते हैं, किसी महारानी के लगते हैं, या खेलों को गोद लेने वाली किसी माँ के लगते हैं? गोद लेने वाली माँ के लगते हैं, खेलों से उनका बहुत मोहब्बत प्यार रहा है,
और मैं जानता हूं उनकी इस मोहब्बत को कि वो खेलों के लिए वाकई में कहते हैं ना कि बिल्कुल आंखें पल के बिछाए बैठी हैं, कुछ भी कर सकती हैं। और उनका उस दिन का जो भाव था वो वाकई में एक दिल से निकला भाव था। उस मेडल को इतना महत्व देना, और मैं तो चाहूंगा कि वेग सागर इन मेडलों की, जो आप पीले रंग की बात कर रहे हैं, हमारा ध्यान पीले रंग पर ही होना चाहिए। और उसको हासिल करने में एक कदम की ही तो देरी है, सेमीफाइनल में अगर हम जीत गए, अगर ये अगर शब्द हट जाए और हम जीतना शुरू कर दें तो कौन सी ऐसी टीम बच रही जिसको हम ना जीत सके। अब तो हमारी टीम के अंदर इतनी हिम्मत है, हमारी काबिलियत है, खिलाड़ियों के अंदर अच्छा स्टैमिना है, कहीं से हमने कोई कमी नहीं दिखाई। और कमी सिर्फ वह आती है कि कुछ मौके ऐसे होते हैं जहां आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के कुछ काम करने पड़ते हैं। ये विदेशी कोचों का जो सिलसिला इस देश में चला है, क्या भारतीय सीनियर खिलाड़ियों, भारतीय कोचों में वो जज्बा या वो टेक्निक उनके पास नहीं है? क्योंकि हिंदुस्तान में खिलाड़ियों को पैदा करने के लिए जो शख्सियतें खड़ी की जाती हैं वो एनआईएस में खड़ी की जाती हैं। और जब देश की कोई टीम बनती है किसी भी खेल की तो उसमें एनआईएस कोच नहीं होता है, तो हम कर क्या रहे हैं? हाँ, द्रोणाचार्य भी हम देते हैं, हमारा हाईएस्ट अवार्ड जो है, अगर आप देखें इस बात को, सरकार जो है द्रोणाचार्य अवार्ड देती है, चाहे हॉकी हो, चाहे कबड्डी, कुश्ती हो, कोई सा खेल हो। तो हमने कितने द्रोणाचार्य अवार्ड इसको इस मुहिम पे लगाया, इन बातों में लगाया है, या हम उनको इतना महत्व दे रहे हैं कि किसी टीम को कोच कर रहे हो, ऐसा नहीं हो पा रहा है। और वजह तो मैं क्या बोल सकता हूँ इस बात में, लेकिन मुझे भी थोड़ा इस बात को लेकर मैं अपने साथियों के साथ जिक्र करता हूं कि हमारे देश के अंदर अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको भी तो इस लाइन के अंदर जो कोचिंग की चीजें हैं उसमें क्यों ना हम उनको डाल के उनको रखें और देश की टीम को वो कोच करें। एक अच्छी परंपरा को हम अब आने वाले वर्षों में, चलो जो कुछ अभी तक हुआ चलने दें, उसको अच्छा हुआ, लेकिन आने वाले वर्षों में हम अपने स्कूलों में, कॉलेजेस के अंदर, संस्थाओं के अंदर, देश की नेशनल टीम के अंदर हमारे देश के कोचेस काम करें, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात होगी, बहुत ही अच्छी बात होगी। और सरकार को इस बारे में जरूर ध्यान देना चाहिए। क्या आप न्यूज वर्ल्ड के माध्यम से सरकार से ये कहेंगे कि जब भी सरकार को आवश्यकता हो तो आप सेवा देने को तैयार हैं हॉकी के लिए? मेरा तो जीवन इसमें लगा हुआ है, मैं कहीं भी रहता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, तो मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि हॉकी को बढ़ावा मिले, हॉकी खिलाड़ियों को बढ़ावा मिले। खेल एक सम्मान सूचक चीज है देश के लिए, आप ये ना भूलें कि देखिए ना, जब मेडल जीत के हम आए हैं, चाहे वो पैरा ओलंपिक का हो, चाहे हमारे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का हो, हमारे सारे देश के लोगों ने खैर मकदम किया है, सर आंखों में इन खिलाड़ी को बिठाया है, और एक ऐसा अभूतपूर्व प्यार सम्मान जो है वो इस बार दिया गया है, वो तो मैंने कभी देखा नहीं था। सही बात तो ये, जितना जीवन में आपने जीतों के साथ सम्मान, लोगों की प्रशस्तियां, देश की तरफ से प्रशस्तियां जो प्राप्त हुई, उन्हें अगर आप क्षणिक ध्यान करके इस वक्त कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि खिलाड़ी के रूप में खेलने का जो अवसर मुझे मिला, और उसके लिए मैंने मेहनत करी, इसमें तो कोई दुराय है ही नहीं कि बिना मेहनत के तो आप कुछ हासिल कर ही नहीं सकते। और दीवानगी की हद तक मेहनत होती है, वो जिसको आप कह सकते हैं पागलपन, तो वो चीजें हमने करी। कि पागलपन इसलिए करा कि मुझे ओलंपियन बनना है, पहली बात, जब ओलंपियन बन गए तो मुझे मेडल जीतना है, वो दूसरी बात, वो भी प्रण है, मुझे जीतना है, और मुझे आपसे अच्छा खिलाड़ी बनना है, ये मेरा तीसरी बात, कि आप मेरे से अच्छे कैसे हो सकते हैं, मैं भी आपसे अच्छा हो सकता हूं। तो ये चीजें हमने कॉम्पिटिशन्स में अपने अंदर लानी शुरू करी, उसको अपने तरीके से, हमारे टाइम में कोचिंग नहीं होती थी, कोई कोच नहीं होता था, अपने आप से सीखी, आपकी चाल ढाल से सीखता था मैं, आपके खेल के तरीकों, जैसे मैंने इनाम रहमान की बातें सुनी होगी, खेल अपने खेलना शुरू कर दिया, तो ये वो चीजें होती थी जो हम लोगों ने अपने टाइम में करी हैं। और उसमें एक बड़ी दृढ़ता होती थी खेल के अंदर, 70 मिनट का खेल हम लोग खेलते थे, आज के खेल में तो आप 15 मिनट में 10 मिनट में किसी भी खिलाड़ी को चेंज कर दे, लेकिन असली हॉकी जो ग्राउंड की हॉकी थी उसके अंदर 70 मिनट हमको खेलना ही पड़ता था। अशोक भाई, आखिरी सवाल आपसे, क्या खेल में कोई शॉर्टकट होता है? नहीं, कभी नहीं। और जो इस बात को लेके चलते हैं या सिलेक्शन में गड़बड़ करते हैं या नहीं अच्छे खिलाड़ी को रखते हैं, उसका खामियाजा देश भुगतता है।
आप यकीन माने उसका खामियाजे देश को भुगतना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ योग्यता ही काम आती है, आपकी वो चीजें यहाँ काम आती हैं जो आपने सीखी होती हैं, और जो सीखी इसलिए होती है कि जिस वक्त मौका मिले ग्राउंड के ऊपर तो आप किस तरह से उन बातों को उस मैदान पे उस मैच के अंदर रख पाते हैं, चाहे वो गोल स्कोर की पावर हो, चाहे गोल रुकने की तरीका हो, चाहे पेनल्टी कॉर्नर फेंकने का तरीका हो, चाहे पेनल्टी स्ट्रोक फेंकने का तरीका हो, तो वो चीज आपको ग्राउंड के ऊपर उस फ्रैक्शन और सेकंड के अंदर रखनी पड़ती है, और उसके लिए मेहनत सबसे सबसे बड़ी चीज है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि खेल क्षेत्र में आपके सबसे खूबसूरत लम्हे, जो बात बहुत अच्छी लगी हो, और एक ऐसा क्षण भी कि जिस वक्त बहुत दुख हुआ हो, तो आप क्या 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 कहेंगे इसके? 73 वर्ल्ड कप मेरे सामने आता है, मेरे सामने 1972 का ओलंपिक आता है, कि यदि कि 2-3 खिलाड़ी मुझे मिले होते 72 ओलंपिक में, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, चाहे वो इनामुर रहमान साहब हो, बलबीर सिंह रेलवेज के हमारे, जिनको कि मैं राइट आउट एक ऐसा खिलाड़ी मानता था कि मैं कहूं कि मैं उनके सामने कुछ भी नहीं था उस टाइम में, लेकिन मेरे अंदर जो चीजें थी वो ये था कि मेरी बॉल कंट्रोल और मेरा पासिंग सिस्टम अच्छा था। मैं खुद कह सकता हूं कि वो अच्छा मेरा पासिंग सिस्टम था, जिसके फायदे मैं इनामुर रहमान के थ्रू उठवा सकता था और बलबीर सिंह द ग्रेट के सेंटर फॉरवर्ड के मामले में उठा सकता था। तो हमारा 72 का ओलंपिक, जिसके लिए फिर हारने के बाद 4 साल फिर इंतजार करना पड़ता आपको, अगर हम 72 में जीत गए होते पहले ही अपीयरेंस में, तो हम सब अगले ओलंपिक के लिए तैयार हो जाते। तो ये पहला था। 73 वर्ल्ड कप मेरे जीवन में एक दुख भरा था कि हम 2 गोल की लीड लेने के बाद हॉलैंड से हमारी टीम को पेनल्टी स्ट्रोक में टाई ब्रेकर में हमारी टीम हार गई। टाई ब्रेकर मतलब आपको खाली गोल करना है, गोविंदा से नहीं हो पाया, हम हार गए। और डेफिनेटली हर खिलाड़ी का, कोई भी हो, क्या ये बात सच है कि सिर्फ पंजाब से न खेलने जाने के कारण इनामुर रहमान एक ओलंपिक से भी बाहर कर दिए गए थे? जी, ये चीजें होती रही, इसमें तो कोई शक नहीं। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये चीजें अगर ना हो तो हमारी टीमें तो जाने कहां से कहां पहुंच जाती और जीतती। तो फेवरिज्म उस हद तक कि जहां क्वालिटी को खराबी ना हो, आपकी जो क्षमताएं हैं उस पर असर ना हो, तब तो मैं मान सकता हूं कि हाँ चलिए एक आध मिसाल रख सकते हैं इस बात की। लेकिन अगर आपके पास वो मारक क्षमता ही ना हो टीम के अंदर, वो डिफेंसिव कैपेसिटी ना हो, और तो टीम कमजोर होती चली जाएगी। और ऐसा ही हुआ, ये 41 साल का हमारा ये टाइम गुजरा है, हमारे तो एक्सपेरिमेंट ही गुजरते होते चले गए इसके अंदर। 41 साल क्यों लगे, किसने लगाए? तो अब जाके अवेयरनेस आई है हमारे अंदर, भारत के अंदर, कि अब अगले ओलंपिक के अंदर हमें क्या क्या चीजें करनी है, और करनी नहीं है, दृढ़ता से करनी है, सही मायने में करनी है। इसी तरह आगे बढ़ते जाएं, जीतते जाएं। और अशोक भाई, आज न्यूज वर्ल्ड के स्टूडियो में आने के लिए कोट कोट धन्यवाद। सुनैन साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को टैकल किया, इस बात को लिया है, और मैं चाहूंगा कि हमारे सभी खिलाड़ियों को जो देख भी रहे होंगे, सुनेंगे भी इस बात को, उनके अंदर ये हिम्मत है।